बिहार में कोरोना वायरस के खतरों को लेकर पूरा सीमांचल अलर्ट है। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आम और खास एहतियात बरत रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जिला प्रशासन अपने अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करने में जुटे हुए हैं। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार सहित अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक प्रतिष्ठान और संस्थान बंद हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर को हाई अलर्ट माना गया है। नेपाल से आने वाले नागरिकों की अलग अलग पॉइंट पर स्क्रीनिंग की जा रही है। वहीं रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की भी निगरानी की जा रही है। कोरोना के संक्रमण की वजह से बाजारों में सन्नाटा पसरा है। शॉपिंग सेंटर और मॉल खाली खाली है। ट्रेन और बसों में भी यात्रियों का टोटा है। लोग धीरे धीरे सोशल डिस्टेंसिंग की ओर बढ़ रहे हैं। कोरोना एक महामारी है जिससे बचने के लिए हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। एक दूसरे के संपर्क में न आएं और खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों से भी बचने की कोशिश करें। देखिए, कोरोना को लेके हम लोगों ने डाउन दी लेवल तक ओरिएंटेशन किया है और अवेयरनेस का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और जहाँ कड़ाई करनी है वहाँ कड़ाई भी कर रहे हैं। और अगर कहीं से कोई अफवाह आती है तो मात्र खंडन नहीं करते हैं बल्कि तुरंत मेडिकल टीम जाती है और उसका हम लोग साक्ष्य के साथ में खंडन करते हैं। चाहे आज भी हम लोगों ने टीम भेजी है। अभी 3 दिन पहले बेलगाछी की बात आई थी, वहाँ पर भी टीम भेजी थी। तो हर तरह से अलर्ट है और कोशिश करेंगे कि सब लोगों को इतना ज़्यादा अवेयर कर दें कि किसी प्रकार का पैनिक ना हो। देखिए, ये ऐसा है कि ये एक वैश्विक एपिडेमिक महामारी के रूप में ये पनपा है। ये कुछ राहत की बात है कि भारत में ये बहुत तेज गति से नहीं पनप रहा है, लेकिन ये थर्ड स्टेज आने के बाद ये एक ब्लास्ट हो सकता है और उस ब्लास्ट को रोकना हम सब भारतीय का प्रत्येक लोगों का ये कर्तव्य है कि हम इसको कैसे रोकें। रोकने का बहुत सरल उपाय है कि हम जो भी चीज़ छूते हैं तो उसका हमको इन्फेक्शन हमारे हाथ में आ जाता है। तो कौन आदमी कोरोना पॉजिटिव है और उसने कहाँ छींका है, कहाँ उसका ड्रॉपलेट्स गिरा, कहाँ उसका इन्फेक्शन है, तो हमारे हाथ में आ जाएगा और वो उससे फिर हम अपने तो इन्फेक्टेड होंगे ही, अपने साथ साथ हम हमारे संपर्क में जितने लोग रहेंगे उतना इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो इस चेन को तोड़ना है और इस चेन को तोड़ने के लिए हर एक आदमी को सबसे पहले तो अपने घर में कन्फाइंड रहना चाहिए। बहुत आवश्यक हो तो बाहर निकले, अन्यथा ना निकले तो ज़्यादा बढ़िया है। स्कूल कॉलेज तो बंद। किस तरह का आदमी साथ में बैठा है नहीं बैठा है पता नहीं ना, किसके साथ क्या बीमारी है नहीं ये चीज़ तो नहीं पता नहीं। इसीलिए क्यों ऐसा हो रहा है? कोरोना वायरस की वजह से। हाँ सर, डर भी लगता है। डर लगता है क्यों? इसलिए बीमारी के वजह से हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैंने काम है इसलिए जाना। हाँ, इसलिए जाना पड़ रहा है। भीड़ भी नहीं है बस में? बस में भीड़ नहीं है, इसी हवा के कारण, कोरोना के कारण। कोरोना के कारण। हाँ, डर लगता है यात्रा करने। हाँ हाँ।